Good morning, students. Welcome back to my channel, Naveen World. Today's our topic is protocols. Protocols means set of rules over the internet. If we are using internet and we are sending the data and we are receiving the data, or suppose we are sending the mails or getting the mails, so how many protocols are working over there? So today we are going to know this. The first is the hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocols एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है कि हमारे वेब वेब ब्राउज़र पर जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, उस पर हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने का काम होता है HTTP का. कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है ये. और जब हम अपना किसी वेबसाइट का URL लिखते हैं, तो URL लिखने से पहले जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है? To upload and download the file over the internet, if we are uploading and downloading the file over the internet, is known as the file transfer protocol. Or jo suppose we are sending file from our system to web server, that is the uploading, and we are fetching some file from server web server to our system, that is the downloading. Ab baat aati hai, what are the advantages of file transfer protocol? The first advantage of the file transfer protocol is the large file can be transferred easily. Security can be maintained by using the username and password. Transfer of a file can be scheduled for time when the network is not so busy. They all are the advantages of the file transfer protocols. The objective of the file transfer protocol is to promote the sharing of files, increase the indirect use of remote computers, so many. The next protocol is the IMAP, Internet Mail Access Protocol. This is used to access the mail, retrieve the mail. It is not a push mail. ये mail को push करने का काम नहीं आता है, ना send करने का काम आता है. ये केवल और केवल data को mail को read करने का काम आता है. अब next आता है SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. It is also same. Push करने का काम ये only it push the mail. It does not allow to pull the message, यानी read करने का काम नहीं आएगा, access करने का काम नहीं आएगा, just to transfer the mail. अब बात करते हैं हम next protocol की, that is the VoIP, Voice Over Internet Protocol. Advantage क्या है? Voice Over Internet Protocol का मतलब हो गया कि we are calling or we are messaging through the internet. अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो लो कॉस्ट है. जैसे टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें कुछ चार्जेस होते हैं भाई. जो कॉल है, कॉल की कहीं ना कहीं चार्जेस होते हैं. एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम तक है, वरना उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं. लेकिन यहाँ पर लो कॉस्ट है, नो एक्स्ट्रा केबल, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. वायरलेस भी हो सकता है ये, कॉल स्क्रीनिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ. अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. इफ़ एनी पर्सन इज सेंडिंग द मेल एंड दैट विल स्टोर ओवर द इंटरनेट, वेयर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्क्स. इट अभी क्या कर रहा है कि अलाउ यूज़र टू डाउनलोड द मैसेज. सपोज यूज़र अगर एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव नहीं है उस समय और इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा, तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? सर्वर पे स्टोर हो जाएगा. सर्वर से फैच करने का काम किसका हो गया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का. इसके अंदर हम एक फाइल को, किसी मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी मैसेज को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं. और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके साथ. एक और एक लास्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक आया है, दैट इज़ दी जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा कभी, NFC. NFC को आप ऐसे समझो, NFC है क्या? NFC क्या होता है? 4-5 सेंटीमीटर के ड्यूरिंग में एक वायरलेस कम्युनिकेशन बनाता है. जैसे अगर मैं बात करूँ तो टिकट बुक करना, या फिर एक आप ऐसे देखो कि आजकल जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो आ रहे हैं वो वाईफाई कार्ड है. वाईफाई कार्ड का मतलब हमें केवल एक स्वैप मशीन पर टच करना होता है और हमारा पेमेंट हो जाता है, यानी एक छोटा सा. और इसके अगर देखें तो ऐसे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में जिन लोगों के पास कार्ड होता है या कॉइन होता है, वो कॉइन से गेट को खोल सकते हैं. गेट यानी जब वो उनको एग्जिट करना होता है तो उसको जस्ट कॉइन को टच करते हैं और गेट खुल जाता है. टोल नाका भी देख लीजिए, टोल नाके पे भी होता है, टोल टैक्स पर जहाँ हम लोग पे करते हैं. और भी सारी चीज़ें हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो बाय योर बुक. आज के लिए केवल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.